हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज को जानेंगे, जिसे जानने के बाद आप अगर डेटा एंट्री करते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए वीडियो जो है एक जादुई वीडियो बनने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स और जो शॉर्टकट कीज जो है आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, आपका टाइम और पैसा दोनों ही बचाने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहली ट्रिक को हम जानते हैं। जैसा मान लीजिए कि आपने किसी सेल को सिलेक्ट किया और इसमें आपने कुछ वर्ड जो है टाइप कर दिया, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप नेक्स्ट लाइन में कुछ लिख सकें तो आप इसके लिए एंटर प्रेस करते हैं। आपने एंटर करेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट सेल पर जो है जंप कर जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी सेम सेल में नेक्स्ट लाइन पर कैसे लिखूँ। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेल में करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, अब मैं यहाँ पे ऑल्ट की के साथ जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरीवन। तो अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइन्स में आप ऑल्ट एंटर के साथ जो है लिख सकते हैं, जो कि ये ट्रिक जो है फ्रेंड्स बहुत काम आने वाली है आप सभी के। इस ट्रिक का यूज़ जो है, अगर आप सभी को इस तरीके से कुछ लिखना है तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई एंट्री वगैरह कर रहे हैं और कभी कभी आपको एंट्री के साथ टाइम वगैरह भी एंटर करना पड़ता है कि ये एंट्री आप किस टाइम कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप टाइम देखते हैं सिस्टम से और फिर यहाँ पे सेल में एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलम। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है टाइम जो है शो हो जाएगा सेल के अंदर, आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं कहीं पे आपको डेट भी जो है यहाँ पे शो करानी पड़ती है, तो आप जो है अलग से डेट यहाँ पे एंटर करते हैं। तो डेट के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, बस कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम कर देना है, एंटर कर देना है। तो ये देखिए जैसे आप सेमी कॉलम दबाएंगे आपके सामने जो है यहाँ पे डेट शो हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप टाइम और डेट अपनी सेल के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक नेक्स्ट एग्जांपल जानते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मैंने कर रखी है ऐसी सिंपली सी डेमो दिखाने के लिए। अब ये जो है मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना टोटल जो है प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है टोटल सम। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये पूरा का पूरा डेटा जो है मेरे को रुपये में शो हो जाए, क्योंकि ये सारे मैंने रुपये को कैलकुलेट किया है। आप कैसे कराएंगे, अगर आपको प्रिंट कराना है तो सबसे पहले आप जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर की जो है प्रेस कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे जो है रुपए का सिंबल आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे रुपए का सिंबल को डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। तो ये भी ट्रिक जो है फ्रेंड्स बहुत काम आने वाली है। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक को जानते हैं, ये है फ्लैश फिल। अगर आप सभी इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ना तो फ्रेंड्स आप खुद देखिए यहाँ पे टाइम जो है कितनी तेज़ी से बचता है आपका। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, अब इस वाली सेल के अंदर मैं फर्स्ट नेम लिखता हूँ पहले, तो यहाँ पे मैंने लिखा आकाश और लास्ट नेम अब लिखता हूँ सिंह। अब मैंने ये दोनों डेटा जो है एक ही सेल के अंदर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने इस आकाश सिंह यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे ही आपने एंटर कर दिया, अब आपको ना अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ई। तो देखिए ये सारी सेल में उसी हिसाब से डेटा जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है खुद ही अरेंज कर देगा, यानी फास्टली फिल कर देगा। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट ट्रिक को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने एक साथ लिखा हुआ है, अगर आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही सेल के अंदर लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट सेल के अंदर आप उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की तरह डिवाइड कर सकें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने इन दोनों सेल को मर्ज करके एक किया है, ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए एक आ गया फर्स्ट फिल। लेकिन अब यहाँ पर आपको कहीं से डेटा मिला है जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही सेल में है और आप उसको अलग अलग अरेंज करना चाहते हैं जैसे यहाँ पर, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लास्ट नेम को यहाँ पे अरेंज करना चाहता हूँ, अलग से लिखना चाहता हूँ, तो ये देखिए फर्स्ट में क्या है आकाश और लास्ट में सिंह, तो यहाँ पे मैं सिंह लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने सिंह किया और आपको जो है कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट नेम इसने ऑटोमेटिक जो है फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इससे जो है फ्रेंड्स आपका टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा सेव होने वाला है, इस ट्रिक का जो है आप सभी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये आपने देखा कितनी फास्टली जो है हमने टेक्निक का यूज़ किया। अब फ्रेंड्स अगर आप सभी को रो को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, या तो आप यहाँ पे कॉलम को जाके सिलेक्ट करेंगे या यहाँ से जाके जो है रो को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि
आपको सिंपली शॉर्टकट की के थ्रू सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको शिफ्ट के साथ जो है स्पेस की को सेलेक्ट करना है, यानी प्रेस करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है रो जो है यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरीके से रो को आप शो कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कॉलम को कैसे देखना है, तो कॉलम के लिए आपको कंट्रोल के साथ स्पेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि टोटल वर्कशीट जो है सिलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे हो गई, लेकिन यहाँ पे ये इसने सिर्फ इतना ही क्यों किया ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमने फ्रेंड्स यहाँ पे डेटा के पास हैं हम, अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ रखता हूँ और अब मैं इस की को प्रेस करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, कंट्रोल ए हो जाएगा पूरा। यानी मैंने कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल नहीं किया है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट स्पेस किया है। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस प्रेस करता हूँ, तो जहाँ तक आपका डेटा है उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल ए करेंगे तो आप खुद देखिए, तो इन दोनों की वर्किंग जो है एक जैसी है, लेकिन की जो है डिफरेंट है। तो आप इसको जो है ज़रूर देख सकते हैं। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को यहाँ पे फर्स्ट सेल पे जो है आपको आना है यहाँ पे, तो कैसे आएंगे, कभी कभी होता है कि हम बहुत आगे तक पहुँच जाते हैं डेटा में, डेटा एंट्री करते टाइम या कोई कैलकुलेशन करते टाइम। अगर आपको फर्स्ट सेल पे जंप मारना है तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे होम पे आ गए हैं। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप होम पे आ सकते हैं, यानी होम पे कह रहा हूँ, यानी फर्स्ट सेल पे आप जंप करके कहीं से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। ये तब काम में आता है जब आपकी बहुत बड़ी शीट हो जाती है, बहुत सारा आप इसमें टेबल्स और कॉलम बहुत सारे अरेंज करते हैं, तब पता नहीं चलता कभी कभी, तब ऐसे केस में आप ये काम, ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं सिलेक्शन के बारे में एक छोटी सी टेक्निक। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, आप जनरली माउस से सिलेक्ट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है, अगर आपको स्टिक करना है अपने सिलेक्शन को, तो आप कैसे करेंगे, तो स्टिक करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको जो है बस जिस सेल को स्टिक करना है उस पर जाकर सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से F8 को प्रेस कर दीजिए। अब इसके बाद आप जहाँ तक देखिए सिलेक्शन लेंगे वहाँ तक सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन जो है ऑटोमेटिक आता रहेगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने अभी F8 को प्रेस किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए सिलेक्शन उतना ही ले लेगा, यहाँ पे लूँगा तो उतना ऐड कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन मैंने यहाँ पर स्टिक किया हुआ है। अगर इसको मैं यहाँ तक आगे सेलेक्ट कर देता हूँ और अब दोबारा से मैं यहाँ पे F8 को प्रेस कर देता हूँ, तो जो हमारा सिलेक्शन है वो वहाँ से अनस्टिक हो गया। अगर मैं यहाँ पे अब कहीं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैं अलग से कोई काम कर सकता हूँ। तो अगर आपको सिलेक्शन को स्टिक करना है तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और जान लेते हैं, जैसे कि हमें कोई लास्ट एक्शन को रिपीट करवाना है तो आप कैसे कराएंगे। जैसे ये सिंग लिखा है यहाँ पे, इसको मैं अगर कंट्रोल बी कर दूँ तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यही एक्शन जो मैंने लास्ट में परफॉर्म किया है यही एक्शन रिपीट हो जाए, तो इसके लिए आपको F4 को प्रेस करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि बंसल भी बोल्ड हो जाए, तो कंट्रोल बी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जो है अपने कीबोर्ड से F4 को प्रेस कीजिए। तो देखिए लास्ट एक्शन जो है इसने रिपीट कर दिया है। अब जैसे ये नेगी है, अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब अगर मैं तिवारी पे आके क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यही कलर इसके अंदर फिल हो जाए, क्यों, क्यों मैं चाहता हूँ कि लास्ट एक्शन जो है रिपीट हो जाए, तो दोबारा से मैं इस पर F4 प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो है आप लास्ट एक्शन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई स्पेलिंग लिखी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, APLE, मैंने एप्पल लिख दिया, लेकिन मेरे को डाउट है कि ये स्पेलिंग ना फ्रेंड्स गलत है, शायद इसमें डबल P हो सकता है या डबल E हो सकता है लास्ट में एप्पल की स्पेलिंग। तो अगर आपको कभी कोई भी स्पेलिंग में अगर डाउट हो इंग्लिश में, तो आप जो है कैसे स्पेल चेक करेंगे ये चीज़ जानते हैं। हमें पता है ये स्पेलिंग गलत है, लेकिन कभी कभी हमें सामने कोई बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग्स आती हैं जो हमें नहीं, कभी कभी यानी पता तो होती है लेकिन हम स्पेलिंग भूल जाते हैं, तब ऐसे केस में अगर आप स्पेल चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली आपने जहाँ पे जिस वर्ड को टाइप किया उस सेल को आपको सेलेक्ट कर देना है और अपने कीबोर्ड से आपको F7 प्रेस कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने स्पेल चेक जो है ओपन हो जाएगा और आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से पैटर्न आपको इसके जो आपने टाइप किया उससे रिलेटेड कौन कौन से मिले। तो देखिए सही स्पेलिंग ये है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल जो है आ चुका है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप सभी अपनी स्पेल चेक एरर्स को
फिक्स कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा मेथड है। इस मेथड का जो है आप यूज़ ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अगर आप सभी को अपनी सेल्स को जूम इन जूम आउट करना हो तो कैसे करेंगे। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो आप यहीं से डायरेक्टली इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप शॉर्टकट के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ऑल्ट वी जेड आपको प्रेस करना है, तो आपके सामने देखिए जूम मैग्नीफिकेशन टूल ओपन हो जाएगा। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अगर मेरे को 200% जूम करना है तो मैं 200 कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो फिर ऑल्ट वी जेड करूँगा मैं, तो इससे मैं 100% पे ला सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, आप सभी अपने हिसाब से जो है इसको कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे 75%, 50%, 25% आप जूम कर सकते हैं, नहीं तो कस्टम में जाके आप मैक्सिमम 400% का जूम भी आप इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप इसको शीट को जूम इन जूम आउट करके जो है अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ऑप्शन, नीचे कमेंट में जो है फ्रेंड्स ज़रूर बताना। तो चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन को। अगर आप सभी अपने इस रिबन को पिन करना चाहते हैं और पिन आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो फिलहाल तो इसको मैं आपको देसी भाषा में अगर बताऊं तो अगर आप इस पैनल को हाइड करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, ये चीज़ जान लेते हैं। आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और F1 जो है प्रेस करना है। तो देखिए ये अभी ओपन है, अभी ये हाइड हो जाएगा। जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये देखिए हाइड हो गया। अगर इसको मैं दोबारा से पिन करना चाहूँ तो फिर दोबारा से कंट्रोल के साथ F11 करूँगा तो देखिए यहाँ पर पिन हो गया है। इस ऑप्शन को आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर होम में जाके आप इसको दोबारा यहाँ से अगर पिन कर देंगे तो पिन हो जाएगा। अगर मैं बाहर करूँगा तो देखिए हाइट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि परमानेंट रहे तो इसको मैं पिन कर देता हूँ, अब मैं अपना यहाँ पे कोई भी काम कर सकता हूँ। तो इस ऑप्शन का यूज़ जो है आप कर सकते हैं। अगर आपका डिस्प्ले का साइज़ छोटा है और अच्छे से आप डेटा को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तब जो है आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि अगर आप सभी को अपने सेल को सिलेक्ट करना हो, नेक्स्ट करना हो, बैक करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आप जनरली क्या करते हैं, माउस से सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो आप कीबोर्ड की एरो कीज़ का इस्तेमाल अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट करके आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक नया मेथड बता रहा हूँ। आप सिंपली अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट टैब में शिफ्ट होना है तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस कीजिए तो देखिए नेक्स्ट हो जाएगा। अगर आपको बैक करना है तो बैक के लिए भी फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी शॉर्टकट की है, बस आपको शिफ्ट के साथ जो है टैब को प्रेस करना है तो देखिए आप बैक आ जाएंगे और टैब करेंगे तो आप जो है नेक्स्ट चल जाएंगे। प्रीवियस करना है तो शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस करना है तो देखिए प्रीवियस जो है होने लगेगा। अगर फ्रेंड्स आप सभी को कोई कमेंट करना हो, अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेकंड शीट में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने मोबाइल रिचार्ज किया है, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर तो नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी बाय चांस मान लो कि मेरे को मोबाइल नंबर देना पड़ जाए, तब ऐसे केस में तो मैं इसके लिए कोई अलग कॉलम तो बनाऊँगा नहीं। तो यहाँ पर आप चाहे तो कॉमेंट में आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, नहीं तो किसी और तरीके से भी अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर कॉमेंट के लिए बता रहा हूँ, आपको शिफ्ट के साथ F2 जो है प्रेस करना है तो देखिए यहाँ पे कमेंट जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए और जब भी आप इसको अकाउंटेंट को भेजेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वाला मोबाइल नंबर जो है रिचार्ज हुआ है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप सभी कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।